सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो अपना टाइम निकाल कर यहाँ पहुंचे हैं। सबको हम मोस्ट वेलकम कहते हैं। आगे की कार्रवाई अब स्टार्ट करेंगे। सबके बीच में राम राम। जो प्यार गांव देन लाग रहे है कल भी आज भी और बिया मैंने पहला को दे रही है तो फिर भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूं थारो। मैंने पहला आगे करके थे गांव का विकास खातर चुनिया। मैं मेरी पूरी कोशिश करी, गांव में लगभग 27 करोड़ रुपया का काम करवाया, वाटर वर्क्स, हॉस्पिटल, स्टेडियम, पंचायत घर, 42-43 गलियां, बहुत कुछ रह भी गया। कुछ कोरोना का वो कारण हो कुछ माना था रो और एहसान चुकार गो, वादों भी करा और हर कोशिश करा कि जितना काम पीछे करवाया भी दुगना कराने की कोशिश करांगा। कई लोग परमिट कराया तो सरपंच मकान पुट्ठा मोड़ दिया। कोई ऐसे खड़े हुए अंग में एक ही बता दो भी थे सरपंच हो तो मकान पुट्ठा मोड़ दोगे। कोई मोड़ी कौन से सरकार को पीसो थाने मिलो मन्ने फरीगी शाबाशी और पागल हो जी को पुट्ठो मोड़ दे। झूठ मारे तो झूठ ही राजनीति फेल करनी है बात ये करोगा बटन दबा के। अपने जो अब सरपंच साहब है कैंडिडेट अपना मंजू बाला थारे मऊ है थारे अंदरू है थारे सागे कंधो कंधो मिला के चलेगा। उदो देगा और जो काम सौंपोगा वह जिस तरह मैं करे है अब डबल इंजन बन के करांगा। मैं सागे लागूंगा वह भी करांगा। हाँ डबल इंजन हो जाएगा, एक सरपंच एक पूर्व सरपंच। काम का रास्ता 5-7 साल है, काम का रास्ता ही सीखे है। बिकिया कठू के लियानो है अपना वादा है जिया के स्कूल में कॉलेज बनानो, अपने गांव में कॉलेज बनानो, स्कूल में अपग्रेड करानो, अनाज मंडी है। इस तरह का 2-4 बड़ा काम है गांव ने उप तहसील बनानी। वे सब काम आपा थारी मदद हूँ थारी ताकत हूँ कर सका क्योंकि थे जब ताकत देगा तो उसे भी पता चलेगा। सरकार के भी जब दरवाजे पर बड़ी गांव को सरपंच खड़े हुए तो बाने भी पता चला है ये 7,000 वोटा का नुमाइंदा है जिका इतने पहुंचा है तो सरकार भी कोई कमी को रखे पीछे भी को रखी थन पतो है। अब पहला बोला पहला चलो संसाधन कोनी है पर अब जी नोटा को जवाब थे दे और देगा और भी ताकि आज की नोट की राजनीति शराब की राजनीति आ खत्म करने को एक बहुत बढ़िया मौको है अपने गांव में। क्योंकि अगर अब नोट और पीसो शराब अगर चल गई तो आम आदमी तो इलेक्शन लड़ने की सोची ही ना। अगर आज ही रोक लाग गई और मुंह तोड़ जवाब मिल गयो तो आम आदमी के लिए बड़ी गांव का रास्ता खुल जाएगा वो थार पर ही है। तो अपना सरपंच साहब है जो थन पतो है भी अठे ही रहने वाला है कोई जयपुर तो जावा को नहीं है।
ਕਿਹੜਾ ਵਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਥਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਥਾਰੇ ਬਾਹੂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹੂੰ ਵੀ ਤਰੀ ਆਇਆ ਵੀ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਮੈਂ ਬੈਠੇਗਾ ਸਾਰਾ ਅੱਠ ਪੁੱਛਿਆ ਇਤਨੋ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच राम सिंह जी सारण। अब हम गुजारिश करेंगे मंजूवाला जी सारण से कि कृपया वे भी दो शब्द सभी जो आए हुए गाँव वासी है उनको दो शब्द कहें मंजूवाला जी सारण। जो मैंने मान सम्मान दियो है इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो विश्वास और प्यार थे आज दिखायो है वो ही बना के राखियो सपोर्ट करियो वोट दियो और एक मौको सेवा करने को वोट दियो। आम आदमी आज ही थारे माओ यहाँ और एक मौको और देगा तो काम आप आगे भी करियो है और इस बार फिर करांगे। धन्यवाद। हेलो पूरे दयाल जोर की तरफ से 1,00,000 रुपए का मान सम्मान सरपंच का किया गया है। जो सम्मान राशि ताया जी दी है के लिए भी मैं आगा आभारी हाँ। अजय जो मान सम्मान दियो है मांगो भी बहुत बहुत धन्यवाद। पीसो बड़ा कोनी वहां पर वो एक मान सम्मान है और वो एक जवाब है वोट और नोट मिले पर मिले कद है जब आप काम करांगा गांव को विकास करांगा झूठगी राजनीति को निकरा और तोड़मो श्रीयो काट जाएगा। मैं कदे कोई बुजुर्ग नहीं है कौन क्या भी थे ना आइयो रेण दियो मैं आओ सारा क्या भी आओ थे आओ सारा आओ। जब भी आज इतना मान सम्मान मिलने लग रहा है छोटी सी उम्र में 36वां साल है जो मैंने लागे हुए फिर भी गांव का सर अंखा पर बिठा रखे है वो कर्ज में ता उम्र कोशिश करूंगा कि चुकाऊं और चुकाता ही रहूंगा। धन्यवाद। अभी अठा पहुंचे है बहु निवेदन है कि कल ऑफिस का उद्घाटन है सुबह 10 बजे और जब भी नामांकन भरांगा तो जितना बैठे पहुंचे है वह 4 गुणी तादाद में अपने आप आज को जो मैसेज है इन्हें ही मैसेज समझ गए। एक बंदो आपके साथ 3 बंदा ने और ले गया हुआ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है क्योंकि कल भी एक जो संघर्ष की एक जो आस की जो लड़ाई है भी मैं सारा एक आहुति डाल ली है तो सारा बैठे पहुंचियो ऑफिस में पहुंचियो और
नॉमिनेशन के लिए आशीर्वाद दियो। धन्यवाद। मेरे अखबार की तरफ से भी सिक्कों से सिपाही साहब को तोला जाएगा, उसकी तारीख आपको जल्दी बता दी जाएगी, अभी तारीख फिक्स नहीं हुई है। स्टेडियम के अंदर वो प्रोग्राम होना है, उसके अंदर भी सभी ने, भाईचारे ने, समाज ने बोला भी पर्सनल फोन मैसेज सभी को नहीं किया जा सकता, तो जो भी व्हाट्सएप पर मैसेज लगेगा, फेसबुक पर डाला जाएगा, सभी को बताया जाएगा, तो उसी को मैसेज मार के सभी ने पहुंचना है। तो स्टेडियम के अंदर तारीख आपको जल्दी बता दी जाएगी, सरपंच साहब को सिक्कों से तोला जाएगा। और कल जो अपना प्रोग्राम है उसके अंदर भी सभी ने बढ़ चढ़ कर पहुंचना है। कल जो अपना ऑफिस का उद्घाटन है उसके लिए स्टेडियम के अंदर कत्ल होना है, यहीं से सभी एक साथ चलेंगे। 10 बजे का टाइम है, टाइम की कदर करना सीखो। जैसे आज टाइम की बात थी 3 की, लेट हुए हैं, कल भी टाइम था आपका, कल भी लेट हुए हैं, तो कल ये बात ना हो। सभी टाइम की कदर करना सीखो, सभी टाइम से जितने आपका टाइम से आएंगे उतने टाइम से बढ़िया रहेगा, बढ़िया प्रोग्राम होगा। जितने लेट होते हैं उतने प्रोग्राम थोड़ा सा खराब हो जाता है। सभी से गुजारिश है कि कल सुबह 10 बजे स्टेडियम के अंदर ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर उसके बाद ऑफिस का उद्घाटन किया जाएगा। हम जितने भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जितने भी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो प्रसाद ले गया, कोई ना जाए, प्रसाद सबको बांटा जाएगा, चाय भी बनकर बिल्कुल तैयार है। और अगर कोई भाई अपने को बात रखना चाहता है तो वो आकर यहाँ पर रख सकता है। किसी के मन में कोई किसी प्रकार की डाउट है, किसी भी प्रकार की बात है, तो वो आ जाए और अपने को बात रख सकता है। सारी बनाई।